नमस्कार दोस्तों, मैं विजय, आप सभी को विजय दुबे मैथमेटिक्स में स्वागत करते हैं। दोस्तों, कहना चाहूँगा कि पल पल के रिश्ते का वादा है आपसे, अपनापन कुछ इतना ज़्यादा है आपसे, पल पल के रिश्ते का वादा है आपसे, अपनापन कुछ इतना ज़्यादा है आपसे, ना सोचना कि भूल गए हम आपको, जिंदगी भर चाहेंगे, वादा है आपसे। है दोस्तों, सच में वो वादा है। दोस्तों, पाइप और टंकी चैप्टर लेकर आए, बहुत मस्त चैप्टर है दोस्तों। इसका टाइप 3 अभी लेकर आ रहे हैं दोस्तों। जो टाइप 1-2 नहीं देखे हैं, उसका लिंक वीडियो के नीचे दे दिए हैं, जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत शानदार ट्रिक के साथ पढ़ाने जा रहे हैं दोस्तों। आखिरी तक जरूर देखिएगा, नहीं तो बहुत पछताइएगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, दो नल ए तथा बी मिलकर एक खाली टंकी को 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि नल बी से 24 घंटा में भर सके तो ये अकेला खाली टंकी को कितने घंटे में भर सकेगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, ए और बी, दोस्तों ए तथा बी मिलकर एक खाली टंकी को 18 घंटे में भर सकता है। यदि नल बी से 24 घंटा में भर सके, नल बी अकेला भरे तो 24 घंटा में भर सके। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब खाली की बात हो तो माइनस से डिनोट करेंगे, और भरा की बात हो तो प्लस से डिनोट करेंगे। ध्यान दीजिए, तो दोस्तों ये भर रहा है, ए और बी भी भर रहा है, और ये भी 24 घंटा में भर रहा है। तो पूछा ये अकेला इस खाली टंकी को कितने घंटे में भरे, तो ये निकालना है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, पहले बेसिक बता रहे, उसके बाद फिर ट्रिक पर चलेंगे। दोस्तों ए निकालना है यानी बी को हटाना है, ए निकालना है यानी बी को हटाना है, और बी को हटाना है इसका मतलब इसको घटाना है। नहीं समझे, देखिए ए निकालना है यानी बी को हटाना है, इस ग्रुप में देखिए ए निकालना है यानी बी को हटाना है, बी को हटाना है इसका मतलब इसमें से बी घटाना है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 18 को 1/18 माइनस 1/24। दोस्त बेसिक बता रहे, फिर हम ट्रिक बताएंगे। एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा दोस्तों, 72, 18 चौक 72, 24 3 72, घट के 1/72। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, पलटेगा तो कितना 72। हम कह सकते हैं कि अकेला अगर खाली टंकी को भरेगा तो कितना घंटा लगेगा, 72 घंटे। तो दोस्तों ये बेसिक हो गया। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमने क्या यहाँ लिखा था कि खाली को माइनस से डिनोट करेगा और भरा को प्लस से। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए, या आप डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे कि दोस्तों 18, ध्यान दीजिएगा 18 और दोस्तों दोनों मिलकर 18 घंटे में, और यहाँ दोस्तों 24 घंटे में भर सकता है, 18 घंटे और 24 घंटे में भर सकता है। तो 18 और 24 का एलसीएम लेंगे तो कितना या 72, तो हम यहाँ लिख देंगे 18-24 का एलसीएम 72 लिख दिए। दोस्तों ए और बी 18 है, और बी किया है ए निकालना है यानी बी को हटाना है, यानी बी को घटाना है, तो 18-4 72। और दोस्तों बी को हटाएंगे यानी बी को घटाएंगे, इसमें से बी को घटाएंगे तब नहीं निकलेगा, तो 24 3 72 हमको घटाना किसको, बी को, तो बी में माइनस, जो भर रहा है उसको प्लस, हटाएंगे उसको घटाएंगे। दोस्तों देखिए ना, ए और बी में से हमें ए निकालना है तो बी को हटाना पड़ेगा, तो घटा दिए, हटाना माने घटाना। तो दोस्तों क्या हो गया, 72 नीचे में कुछ नहीं, तो एक यानी कह सकते हैं क्या, 72 घंटे में भर सकते, है ना। ये दोस्तों फर्स्ट मेथड था, और ये सेकेंड मेथड था। दोस्तों थर्ड मेथड देखिए, और हम डायरेक्ट बनाएंगे थर्ड मेथड। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, तो थर्ड मेथड दोस्तों एक फार्मूला समझिए, ए गुने बी बटा ए माइनस बी। समझिए दोस्तों ये फार्मूला कब अप्लाई होगा, जब ए और बी दे दे, ध्यान दीजिएगा, जब ए और बी दे कि 18 घंटा में भर दे, यानी ए और बी दो का दे, और इसी दोनों में से एक बोले कि 24 घंटा में भर दे और एक निकालना हो, समझिए, यानी किसी दो आदमी से काम करवाए तो बताए कि कुछ घंटा लगता है, और उसी आदमी, उसी दोनों आदमी में से एक आदमी का दे दे और एक आदमी पूछे, तब ये ट्रिक लगाएंगे। समझिए, ए और बी का दिया है, और इसी में से एक बी का मान दे दिया, ये पूछे, तब ट्रिक लगाएंगे। मान लीजिए तीन गो का दिया है, और उसी दो गो में का देखे, और तीसरा जो बच गया वो पूछे, तो ये फार्मूला से बनाएंगे। तो दोस्तों
हमने क्या कहा कि दो पूछे, दो का दिया रहे ए और बी, यानी दो का दिया रहा है इतना घंटा भर सकता है, इसी दोनों में से एक का पर्सनल दिया रहा है और वो अदर का पूछे, इधर बी का दिया है ए का पूछ रहा है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये कितना है दोस्तों, 18 गुने कितना है दोस्तों 24। अब दोस्तों नीचे अंतर, ई माइनस के मतलब क्या है दोस्तों अंतर, माइनस के मतलब दोस्तों अंतर, अंतर माने बड़का माइनस छोटका, अंतर माने बड़का माइनस छोटका, यहाँ बड़का माइनस छोटका के मतलब हो गया कभी ए में से बी घटेगा, अगर ए बड़ा होगा तो बी बड़ा होगा तो बी में से घटेगा, अंतर निकालिए। तो 24 में से 18 गया, 24 में से 18 गया, तो दोस्तों 24 में से 18 गया तो कितना बचा 6, तो 6 से गुना काटिए, काटिए अच्छे से, तो 6 3 18 24 दिया 72, हम कह सकते हैं दोस्तों 72 घंटा में क्या होगा, ए अकेला उस टंकी को भर लेगा। तो तीनों मेथड समझ गए दोस्तों, किस मेथड से बनाना आप खुद ही समझ सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान दीजिए, दो नंबर क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो नल ए तथा बी मिलकर एक खाली टंकी को 20 घंटे में भर सकते हैं, यदि नल बी से 30 घंटे में भर सकते हैं तो ए अकेला खाली टंकी को कितने घंटे में भर सकेंगे। दोस्तों बोला ए और बी मिल के भरता है तो कितना 20 घंटे में, दोस्तों बी अकेले भरता है तो कितना 30 घंटा, ध्यान दीजिए भर रहा है प्लस। दोस्तों तो पूछा ए अकेला खाली टंकी को भरने में कितना समय, ए पूछ रहा है तो ध्यान दीजिए, एक चीज दोस्तों ए निकालना है यानी बी को हटाना है, ए को ए निकालना है यानी बी को इसमें से हटाना है, तो जब ए निकालना है तो क्या करना है, दोनों का एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो दोनों का एलसीएम लीजिए तो कितना हो जाएगा दोस्तों 60। तो दोस्तों देखिए इस 20 दिया 60, हमें ए निकालना है बी को हटाना है, तो बी का मान दिया हुआ है तो 20 से बी का मान दिया है कितना 30, तो 30 2 60, तो हमें दोस्तों हटाना किसको है, घटाना किसको है, हटाना है बी को इसमें से, यानी घटाना है बी को यानी हटा देंगे, तो दोस्तों कितना हो गया 60 बटा 1, हम कह सकते हैं कि 60 घंटा में अकेले उस टंकी को ए भर सकते हैं, कुछ नहीं किए, बस यहाँ लिखने की जरूरत नहीं था, 20 और 30 का एलसीएम लिए 60 आया, हम जान रहे कि दोनों मिलकर दिया है, इसी में से बी का मान दिया, ए का पूछ रहा है, तो एलसीएम लिए 20 दिया 60, 30 2 60, इसमें माइनस कर दिए, माइनस हो गया, 1 घंटा 60 होता है 1 घंटा, है ना आसान दोस्तों। या दोस्तों हमने बताया कि ए गुने बी बटा ए माइनस बी, ध्यान दीजिएगा सेकेंड मेथड दोस्तों, हमें क्या करना है इधर 20 गुने 30 और नीचे अंतर, हम बार बार समझा रहे हैं अंतर, अंतर माने बड़का माइनस छोटका, था 30 में से 20 गया 10, 10 से काट दीजिए 30 2 60, यानी लिख सकते हैं 60 घंटा, है ना दोस्त। किसी तरह बनाइएगा तो बहुत आसान से बनेगा, अच्छा से बनेगा और जल्दी बनेगा, है ना दोस्तों। अच्छा लगा ना, तो दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी करवाएं, ठीक है ना दोस्तों। देखिए नेक्स्ट, ध्यान दिए दोस्तों, तीन नंबर क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है। देखिए तो क्या कह रहा है कि एक नल टंकी को 16 घंटे में भरता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी को 24 घंटा में भरी जाती है, यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद के कारण कितने देर में खाली हो जाएगी। दोस्तों एक नल कितना घंटा में भर देता है 16 घंटा में, लेकिन एक समय उसी को कितना घंटा लगा 24 घंटा, क्यों, क्योंकि 24 घंटा इसलिए लगा कि जिस समय नल चालू किया गया था पहला नल, उस समय छेद भी छेद हो गया टंकी में, तो छेद के माये पानी गिरेगा। तो दोस्तों एक चीज़ बताइए, तो यहाँ एक नल चल रहा है तो 16 घंटा में भर देता है, और बताइए जिस समय 24 घंटा लगा होगा उस समय तो ये तो चल ही रहा था भरने वाला, ये तो चल ही रहा था भरने वाला, और जो लीक हो रहा था छेद के कारण वो क्या हो रहा था, पानी निकाल रहा था, छेद के कारण लीक हो रहा था वो पानी निकल रहा था, यानी कह सकते उस समय 2 गो नल चल रहा था। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यानी पहला नल को हम ए से डिनोट करते हैं, हम कह सकते हैं कि एक नल चल रहा था तो उसको लगा 16 घंटा, और जब 24 घंटा कब लगा, जब ये नल चल ही रहा है शुरू वाला, ये देखिए पहला नल को हम ए से डिनोट किए, तो ये नल चल ही रहा है शुरू में, और दोस्तों छेद हो गया, कहा क्या कि छेद होने के कारण टंकी 16 घंटे में भरी, तो छेद हो गया दोस्तों, तो हम छेद को बी से डिनोट किए, दोस्तों छेद को हम बी से डिनोट किए, हम कह सकते हैं कि जब ये बी चला तो कितना घंटा लगा 24 घंटा। दोस्तों समझिए, जब पहला नल चलता था तो 16 घंटा भर जाता था, लेकिन यही नल एक दिन चालू किया
तो 24 घंटा लगा, क्यों? क्योंकि टंकी में छेद हो गया था। तो छेद को हम बी से डिनोट किए, छेद को हम बी से डिनोट किए तो हम कह सकते हैं कि ए और बी मिलकर कितना घंटा में भरा, 24 घंटा। भारत ए भी प्लस, भारत ए भी प्लस। दोस्तों ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है तो क्या करना है देखिए ना, जैसे पहला दूसरा क्वेश्चन बना है उसी तरह ना हो गया कि ए और बी मिलकर किया 24 घंटा में और ए किया 16 घंटा में, तो बी के बारे में पूछ रहा है तो हम गुना बटा अंतर भी कर देंगे, नहीं तो एलसीएम लीजिए। तो 16 और 24 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों? 48। तो 16 * 48 और 24 * 48। दोस्तों हमें निकालना है बी, तो ए को हटाना पड़ेगा यानी इस वाला ए को घटाना पड़ेगा, तो 16 * 48 यानी घटेगा, ये प्लस होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ए 48 हुआ और 3 में से 2 गया तो -1 यानी कह सकते -48। दोस्तों हम बताए हुए थे, एक चीज़ समझिए, माइनस वाले खाली, तो हम कह सकते हैं कि 48 घंटा में यह छेद खाली कर देगा, क्या कर देगा? खाली कर देगा। दोस्तों अगर यहाँ प्लस आता तो भर देता, प्लस आता तो भर देता, लेकिन दोस्तों माइनस आया तब यहाँ कह सकते हैं कि 48 घंटा में खाली कर देगा, क्योंकि हम बताए हैं कि भरने वाले पाइप को प्लस से डिनोट होता है और खाली करने वाले माइनस से। दोस्तों तो इससे ऐसे बनाएंगे, बनाना जल्दी, नहीं तो हम जाता है कि ए गुने बी बटा ए माइनस बी, आप ऐसे भी बना सकते थे दोस्तों। तो क्या था? 16 * 24, तो 16 * 24 ऐसा क्यों किए? क्योंकि आपके माइंड में ये आया कि एक नल 16 घंटे भरता है और छेद होने के कारण 24 घंटे में भरा, इसका मतलब जिस समय टंकी में छेद हुआ था उस समय नल चल ही रहा था, नहीं यहाँ पर 2 नल चल रहा है, यहाँ पर 1 नल चल रहा है, इसी में एक नल के बारे में पूछ रहा है। तो गुना बटा अंतर, अंतर कितना है दोस्तों? 8 से 2 यानी 24 * 48 यानी कह सकते हैं 48 घंटा में खाली कर देगा, है ना, डायरेक्टली निकल जाएगा दोस्तों, यहाँ माइनस प्लस नहीं निकलेगा, हमेशा प्लस में निकलेगा, लेकिन जो भी होगा भर देगा तो प्लस कहा जाएगा, भरने वाला पूछेगा तो भरे निकल जाएगा, माइनस खाली करने वाला पूछेगा तो खाली करने वाला निकल जाएगा, है ना दोस्तों, आसान, बहुत आसान है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दिए दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक नल टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, कितना घंटा में दोस्तों? 12 घंटा में भर सकता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी 18 घंटे में भर जाती है। यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद के कारण टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी? ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ एगो नल चला, यहाँ छेद हो गया, तो एगो छेद हो गया, एगो नल हो गया, तो दोनों छेद को भी नल है समझेंगे, छेद को भी नल ही समझेंगे। दोस्तों पहला एक नल चल रहा था, छेद होने के कारण यहाँ बताइए 2 नल चला, यहाँ 1 नल, यहाँ 2 नल, इसी में 1 नल के बारे में पूछ रहा है कि यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद के कारण कितने देर में खाली हो जाएगी। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है तो करना क्या है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 36। दोस्तों 12 * 36 18 * 36 ध्यान दीजिए, यहाँ 1 नल किया, यहाँ 2 नल किया, तो ये वाला घट जाएगा इसमें से, तो इसमें से घट जाएगा तो 1 नल बचेगा। तो दोस्तों हटाना किसको? इसको, तो इसको 12 * 36 ये हटेगा यानी ये बचेगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 36 - 1 यानी कह सकते हैं -36 यानी कह सकते हैं कि 36 घंटा में टंकी खाली हो जाएगा छेद वाला, बन गया डायरेक्ट। नहीं तो ऐसे बनाइए दोस्तों, क्या करना है? ए गुने बी बटा ए माइनस बी, बहुत आसान। दोस्तों क्या करना है? 12 * 18 और ध्यान दीजिए दोस्तों अंतर कितना है? 6 का, तो 6 * 12 यानी 18 * 36 घंटा में क्या होगा? टंकी खाली हो जाएगा, है ना आसान दोस्तों, बहुत आसान है ना दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दिए दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है, देखिए। एक नल खाली टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी को भरने में 2 घंटा अधिक लगता है, भरी टंकी का छेद कितना देर में खाली कर देगा? दोस्तों एक नल को हम ए मानते हैं, भरता है पर डे तो 4 घंटा लगता है, लेकिन एक दिन छेद हो गया तो उस दिन कितना समय लगा? तो छेद को दोस्तों छेद को हमने बी माना, तो ए भी दोनों चला, ए यानी एक नल चला और छेद चला, छेद को बी माने, ए और बी चला तो कितना घंटा? 2 घंटा अधिक, तो पहले लगा था 4 घंटा, 2 घंटा अधिक, तो 4 + 2 यानी कितना हो गया? 6 घंटा। आप ध्यान दीजिए, लगता है भरी टंकी को यह छेद कितना देर में खाली कर देगा? भरी टंकी को यह छेद कितना देर में खाली कर देगा? तो दोस्तों जब भी ऐसा हो, फील हो कि 2 गो दिया हो, यानी 2 गो दिया हो उसमें से 1 गो दिया हो, यानी ए और बी का दिया है,
ए का दिया है, बी पूछ रहा है, यानी दो का दिया हो जिसमें एक का भी पता हो और उसी में से एक का पूछे, तो बस ए गुने बी बट्टा ए माइनस बी कर देंगे। सबसे आसान विधि बस इसी तरह बनाएंगे दोस्तों। क्या चार गुने छः, अंतर कितना है दो, दो से काट देंगे छः दूनी बारह। तो दोस्तों हम कह सकते हैं क्या कि बारह घंटा में, क्या चीज़ बारह घंटे में, कि छेद द्वारा टंकी खाली हो जाएगा, यानी भरी टंकी का छेद कितना देर में खाली कर देगा, बारह घंटा में। है ना आसान दोस्तों, बहुत आसान है ना, इसी तरह बनाएंगे बहुत आसान है, बन जाएगा सभी। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए दोस्तों, छः नंबर क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है। बोला दो नल ए और बी मिलकर एक टंकी को आठ घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी को भरने में बारह घंटा लगता है, भरी टंकी को यह छेद कितना देर में खाली कर देगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, शुरू में दो नल भर रहा है ए और बी, ए और बी भर रहा है तो कितना देर लग रहा है, आठ घंटा। ध्यान दीजिए, दो नल भरने वाला है, दो नल ए और बी भरता है तो आठ घंटा लगता है दोस्तों, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी को भरने में बारह घंटा लगा। तो दोस्तों ए और बी जब चलिए रहा था और उसी समय छेद हो गया, दोस्तों छेद को हम सी से डिनोट किए, छेद हो गया यानी सी को हम छेद बोलते हैं, यानी ए और बी चल रहा था समय छेद हो गया सी, तो छेद को हम सी से डिनोट किए तो छेद हो गया, उसके कारण कई घंटा लगा, बारह घंटा। तो दोस्तों ध्यान दिए, छेद हुआ उस समय कई गो नल चल रहा था, दो गो तो शुरू वाला चल ही रहा था, वो छेद चल रहा है, यानी एक दो तीन, यानी कई गो नल चल रहा है, तीन नल चल रहा है। तो दोस्तों क्या पूछ रहा है, तो भरी टंकी को यह छेद कितने देर में खाली कर देगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ये तीन दिया है, ऐसी तीन में से दो मैच किया, इसी के बारे में छेद के बारे में पूछा कितना देर में खाली कर देगा, समझिए। इससे पहले क्या होता था कि ए और बी के बारे में पता रहता था, ए पता रहता था, ए मैच करता था, ए निकालना होता था, क्या करते थे, ए गुने बी बटा ए माइनस बी करते थे, बस वही कंसेप्ट यहाँ भी है दोस्तों। तीनों में से दो मैच किया, कह सकते तीन दिया है, यानी तीन नल हो गया यहाँ छेद लेकर, तीन नल अठारह घंटे में भरता है और दो नल आठ घंटे में भरता है, तो सी के बारे में पूछा, नहीं छेद के बारे में पूछा, तो सी निकालना है तो कुछ नहीं करना है, दोनों का गुना बटा ए गुने बी बटा ए माइनस बी कर दीजिएगा दोस्तों। तो गुना बटा आठ गुने बारह, गुना बटा अंतर, अंतर कितना हो गया चार, चार दूनी आठ, बारह दूनी चौबीस, हम कह सकते हैं दोस्तों चौबीस घंटा में छेद अकेले टंकी को खाली कर देगा। है ना दोस्तों, नहीं तो एक बेसिक बताओ इसे भी बना सकते हैं। तो दोस्तों आसानी से आप सभी समझ गए होंगे, इस टाइप का जो भी प्रश्न होगा आप इसी तरह बनाइएगा, चुटकी में हल कर दीजिएगा। है ना दोस्तों, तो कहना चाहेंगे दोस्तों कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएँ। है ना दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आज यहीं।